सी दीज आर द 3D सीरीज एलिमेंट्स, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये, स्कैंडियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर 21 to 30। ये बेसिकली जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यही यूज़ होते हैं। 21 स्कैंडियम के पहले आता है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20। इसका कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होता है 4s2 में। 4s2 का मतलब कैल्शियम का 20th इलेक्ट्रॉन। सो स्कैंडियम क्या है, 21 मींस 20+1 बोल सकते हैं। तो 20 को रिप्रेजेंट अगर 4s2 करता है तो 1 कहाँ जाएगा, 3d में, क्योंकि 4s के बाद फिलिंग होती है 3d में। तो ये 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, और यहाँ पे 21 से लेके 30 तक में 10 ही एलिमेंट्स हैं। सो 3d इज ग्रेजुअली फिल्ड, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4 यहाँ होना चाहिए था, आई एक्सप्लेन क्यों नहीं है। 3d5, 3d6, 7, 8 शुड बी 9, बट दीज टू आर एक्सेप्शंस, यू आर ऑलरेडी नोइंग फ्रॉम 11th क्लास। 3d10, सब में 4s2 भरा हुआ है, मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और 20 के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है तो 3d1, 2 था तो 3d2, 3 है तो 3d3, ऐसे ग्रेजुअली 10 तक भरता चला जाएगा। तो ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, ये जो है बेसिकली दीज आर द पेरेंट एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, और यही जो है आपको ऑलमोस्ट एग्जांपल्स में मिलेंगे। क्रोमियम में 4s1 3d5 होता है, एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 4s2 3d4। जो एक्सपेक्टेड कॉन्फिग्रेशन है वो होता है 4s2 3d4, मगर एक्चुअल ये है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे अगर 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा दिया जाए तो दोनों ही हाफ फिल्ड हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए क्रोमियम इस कॉन्फिग्रेशन से इस पर शिफ्ट कर लेता है। सिमिलर एक्सप्लेनेशन इज फॉर कॉपर। कॉपर का एक्सपेक्टेड कॉन्फिग्रेशन है 4s2 3d9, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल ये है। तो हाफ फिल्ड 4s एंड फुल फिल्ड d मेक्स इट मोर स्टेबल। तो ये जो होना चाहिए वो ना दिखाकर ये दोनों ही एक्सेप्शनल केसेस दिखाते हैं, बाकी सब बाय डिफॉल्ट जो होना चाहिए वही है। 4s2 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑल आर 4s2, लीव दीज टू, रेस्ट ऑल आर फॉलोइंग। सो 4s2 एंड 20 के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, राइट देम इन d। सो रिमेंबर दिस कॉन्फिग्रेशन, विदाउट दिस चैप्टर विल नॉट बी पॉसिबल।